हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और आज आपकी मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इंसेट 1A एंड इंसेट 1B सैटेलाइट के बारे में बात करूंगा। ये वीडियो हमारी इंसेट सैटेलाइट सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप मेरी नई वीडियो के पहले ही पा सकें। चलिए ये वीडियो शुरू करें। पहले मैं आज आपको इंसेट 1A सैटेलाइट के बारे में बताऊंगा। इंसेट 1A सैटेलाइट एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी और ये सैटेलाइट को हमने अप्रैल 1982 को डेल्टा लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था। इस सैटेलाइट की लाइफ टाइम 1 ईयर की थी और इसी के बीच इसका एक प्रोपेलेंट जो सैटेलाइट वो खराब हो गया था और तभी से हमने इस सैटेलाइट को बंद कर दिया। इस सैटेलाइट को हमने 1983 को सितंबर में अबैंडन कर दिया, यानी कि इसे अब बंद कर दिया। इसके बाद इसरो ने एक नई एडवांस वर्जन बनाया इस सैटेलाइट का जो था इंसेट 1B। इंसेट 1B से इसके बाद इसरो ने एक नई एडवांस वर्जन बनाया सैटेलाइट का जो था इंसेट 1B। इंसेट 1B सैटेलाइट 30 अगस्त 1983 को लॉन्च की थी। इस सैटेलाइट को भी इसरो ने इंसेट 1 सैटेलाइट को ही सोचकर बनाया था और इसमें बनाने में फॉल्ट एरोस्पेस ने भी उनकी मदद की और इसरो के साथ ही इसे ऑपरेट किया। इस सैटेलाइट का लॉन्च व्हीकल शटल PAMT था और इस सैटेलाइट को हमने जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में रखा था। इस सैटेलाइट का वेट ये सैटेलाइट अक्टूबर 1983 तक फुली फंक्शनेबल हो गई थी और इसे हमने 7 ईयर इस सैटेलाइट की लाइफ टाइम 7 इयर्स की थी और इसे हमने ये सैटेलाइट अक्टूबर 1983 तक फुली फंक्शनेबल हो गई थी और इसे हमने इस सैटेलाइट को हमने 1990s तक चलाए रखा और इसके बाद हमने इसे इंसेट 1D सैटेलाइट से रिप्लेस कर दिया। तो अगर आपको मेरी और इसी वीडियो से हमारी इस इंसेट सीरीज की शुरुआत होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।